पेट्रोल और डीजल की कीमतों में एक बार फिर से बढ़ोतरी की गई है। इस वक्त हम दिल्ली गेट के पेट्रोल पंप पर मौजूद हैं और आप यहां पर तस्वीरों में देख सकते हैं कि आज पेट्रोल और डीजल दोनों में 44 पैसे की बढ़ोतरी की गई है। 22 मार्च से पेट्रोल और डीजल में बढ़ोतरी की शुरुआत हुई थी, आज जो है 14वां दिन है। अगर हम बात करें तो 24 मार्च और 1 अप्रैल इन दो दिन को अगर छोड़ दें तो इन दो दिन में बढ़ोतरी नहीं हुई है, वरना अभी तक जो है ये 14वें दिन में करीब 8 रुपये से ज़्यादा तक की जो है बढ़ोतरी की जा चुकी है। कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं, क्या नाम क्या है भैया आपका? हमारा नाम मोहम्मद मदीन है सर जी। अभी जो है जिस तरीके से बढ़ोतरी हो रही है, क्या कुछ बजट गड़बड़ाया है, क्या कहेंगे? बजट तो सर खुद ब खुद गड़बड़ाएगा। हम लोग कहाँ से 12,000 रुपये तंगा पाते हैं, 4,000 का पेट्रोल, 5,000 हम किराए के देते हैं मकान के, रेंट के देते हैं, 4,000 रुपये में हम क्या कर लेंगे? बच्चों को पालेंगे, पढ़ाएंगे किस तरीके से? सरकार राशन फ्री दे रही है, इसका ये थोड़ी मतलब है कि हम सिर्फ राशन ही खाते हैं, दूध भी है इसमें, सब्जी भी है, सभी चीज़ें हैं। हम कहाँ तक अपना बजट बिगाड़ देती है सरकार हमारा बजट। आज महंगाई कम थोड़ी हो रही है, जो चावल 40 रुपये था आज वो 70 रुपये हो गया, जो 80 रुपये था वो 100 रुपये हो गया किलो। कहाँ से खाएगा आदमी? 80 रुपए किलो सब्जी, 100 रुपए किलो सब्जी से कोई कम नहीं मिल रही। आखिर पब्लिक है ये कहाँ तक बर्दाश्त करेगी? आदमी मेहनत कर रहा है, सारे दिन मजदूरी कर रहा है, 12,000-13,000 रुपए मिल रहा है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि बिल्कुल ही सरकार अंधी हुई बैठी है। महंगाई के हिसाब से हम तो बहुत परेशानी में जी रहे हैं। जिस तरीके से देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ और लोग भी हैं, इनसे हम बात करेंगे। क्या नाम क्या भैया? नेम सिंह भाई। पेट्रोल और डीजल की कीमतें जिस तरीके से बढ़ रही हैं, क्या आप लोग का बजट जो है गड़बड़ा रहा है, कुछ क्या कहेंगे? भाई गड़बड़ा रहा है बजट तो भाई, कैसे इतनी महंगाई आएगी तो बताओ कैसे क्या होगा? गाड़ी भी चलना बंद हो जाएगी भाई, गरीब आदमी मरेगा और क्या होगा? बड़े बड़े आदमियों का सब सारा काम हो जाएगा और क्या, इतना पेट्रोल आगे जा रहा है इससे क्या होगा भाई? गरीब आदमी मरेगा और बड़ा आदमी तो बड़ा ही होगा, गरीब का इसमें नाश और क्या है। देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है जो लोग हैं उनका भी कहना है कि जिस तरीके से जो ये पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, रह रह करके पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाए जा रहे हैं, लोगों की भी ये उम्मीदें हैं कि कब ये सिलसिला रुकेगा, कब जो है पेट्रोल और डीजल के दाम जो बढ़ने बंद होंगे और कहाँ तक बंद होंगे, ये देखने वाली बात होगी। कैमरा पर्सन प्रवीण दीक्षित के साथ ध्रुव मिश्रा, ABP News दिल्ली।